हाय दोस्तों, 2BHK की रीसेल की प्रॉपर्टी है। प्रोजेक्ट का नाम है लोधा एक्वा। ये मीरा रोड में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे बना हुआ है। रीसेल की प्रॉपर्टी है ये, बट प्राइस इसका काफी बढ़िया है, इसीलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। आज इसी लोधा एक्वा का बात करूंगा। मैं विकास परनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास परनवाल में। पहले मैं दिखाता हूँ यहाँ पे किस टाइप का बना हुआ है लाइव, कितना माले का एलिवेशन है, किस टाइप का एमिनिटीज है। बहुत ही बढ़िया बनाया है यहाँ पे लोधा वाले ने, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिमनासियम, सब कुछ। आइए पहले लाइव देखते हैं, डिटेल साइजिंग, प्राइजिंग, कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्टिविटी क्या है मैं बाद में बताऊंगा, पहले देखते हैं फ्लैट किस टाइप का है। ये एक्सप्रेस हाईवे है और एक्सप्रेस हाईवे से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना कनेक्टेड है लोधा एक्वा, जो कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, लोधा बिल्डर का कॉम्प्लेक्स है ये। और प्रॉपर एक्सप्रेस हाईवे से देखें तो वॉकिंग आप जाते हैं 30 सेकंड में पहुंच जाते हैं। ये आप देखते हैं जाने का अंदर का रोड है हाईवे से, और सामने ही लोधा एक्वा का एलिवेशन दिखा रहा हूं। और ये लोधा एक्वा का एंट्रेंस है, ये एलिवेशन है जो मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूं। अभी चलते हैं, देखते हैं अंदर किस तरह का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे इसका सिक्योरिटी कैबिन है और ये रोड सीधा सीधा हाईवे जाता है। एंट्रेंस लॉबी है इसका पार्किंग से, यानी ग्राउंड लेवल से जो इसका एंट्रेंस लॉबी दिया हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दो हाई स्पीड लिफ्ट दिया है इन्होंने, बिल्डर ने। ये इसकी सीढ़ी है, स्टेयरकेस है। पहले मैं प्रोजेक्ट आपको दिखाता हूँ, अच्छी तरह से आप देख लें, उसके बाद में प्राइजिंग साइजिंग की बात करूंगा, पूरे प्रोजेक्ट के डिटेल की बात करूंगा। ये लिफ्ट है इसका, दो टाइप का लिफ्ट है इसमें, पब्लिक लिफ्ट और लगेज लिफ्ट, दो लिफ्ट दिया हुआ है इसमें। अभी हम फ्लैट देखते हैं किस टाइप का है। ये एंट्री है 2BHK का, और पहले ये आप देख सकते हैं लिविंग डाइनिंग का एरिया है। लिविंग डाइनिंग का एरिया इसमें कुछ अपने हिसाब से दिया हुआ है, एल शेप में इसमें लिविंग डाइनिंग एरिया है। और ये जो फ्लैट है ना, ये कुछ लोअर फ्लोर पे है, इसके वजह से नीचे का एमिनिटीज आपको दिखाई दे रहा है, ये जो गार्डन्स वगैरह बना हुआ है वो। ये मैं विंडो के साइड से आपको दिखा रहा हूँ कि क्या इसका विंडो के साइड से क्या व्यू आता है। ये इसका डाइनिंग टेबल एरिया है, बट यहाँ पे इन्होंने डाइनिंग टेबल रखा नहीं है, अपने हिसाब से इन्होंने यूज किया है। बाहर आपने देखा सू रैक भी था जूते चप्पल रखने के लिए। इसके जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक वार्डरोब का, यानी कबर्ड का स्पेस बनाया मिला हुआ है, जहाँ पे आप कबर्ड बना सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रोकरी स्टोर बना सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं। उसके जस्ट अपोजिट में किचन है। तो एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छा है कि किचन के अपोजिट में वॉशरूम नहीं है, एक वास्तु के हिसाब से अच्छा है। और आप देखें किचन के बाहर वॉशिंग मशीन के लिए प्रोविजन किया हुआ है, जगह बालकनी दिया हुआ है जहाँ पे आप कपड़े धोने और सुखाने का इंतजाम कर सकते हैं। लोधा एक्वा का, वैसे तो लोधा अपने आप में काफी बड़े ब्रांड हैं ही, आज देखें तो इंडिया के नंबर वन रियल एस्टेट डेवलपर कहलाते हैं ये, लेकिन काम भी उनका बिल्कुल वैसा ही है। पब्लिक के हर एक चीजों को बहुत ध्यान में रख के आजकल जो नए प्रोजेक्ट देखेंगे इनका। ये कॉमन वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम, और इसमें एक एक्स्ट्रा जगह दिया हुआ है, लेकिन काफी सारा सामान रखा हुआ है, इसके लिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। एक एक्स्ट्रा स्पेस इसमें है, वो आप आके प्रैक्टिकल देखेंगे तो समझ आएगा, बिकॉज आगे अंदर बहुत सामान भरा हुआ था, इसके लिए मैं आपको दिखा नहीं पाया। और ये इसका कॉमन बेडरूम है, रूम भी प्रॉपर स्पेसियस दिया है इन्होंने। अभी देखिए यहाँ पे कैमरे में जो आप देखते हैं ना, इसमें एक प्रॉपर आपको मेजरमेंट नहीं मिलता है कि कितना बड़ा है ये फ्लैट है, बट इसको जब आप प्रैक्टिकली आप आके देखेंगे तो एक्चुअल, वैसे भी यार 1,25,26,00,000 का ट्रांजेक्शन है तो ऐसे तो करेंगे नहीं, एक बार तो आके देखेंगे कि फ्लैट किस टाइप का है। अभी हम मास्टर बेडरूम देखते हैं। मास्टर बेडरूम में इसका जो स्पेस दिया है, एंट्री करते ही सबसे पहले तो आपको लेफ्ट में इसका वॉशरूम मिल जाता है। ये इसका वॉशरूम है मास्टर बेडरूम का, और इसमें बाथ टब भी बिल्डर ने ही करके दिया है।
आप चाहें तो अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकते हैं। बेडरूम आप देखें 5x6 का या 6x6 का भी बेड आप रखें ना, तो भी एक काफ़ी बड़ा मोमेंट करने के लिए एक जगह मिलता है आपको। इन्होंने तो कॉर्नर में बेड रखा है, इसके लिए एक ज़्यादा ही जगह इनको बचा हुआ है, लेकिन अगर आप सेंटर में भी रखेंगे तो भी एक बढ़िया जगह आपको यूज़ करने को मिलेगा। विंडो के साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने वार्डरोब है, उसके बाद फिर पूरा फ्लैट दिखाता हूँ, उसके बाद फिर एमिनिटीज कैसा है वो मैं दिखाता हूँ। ये मैंने इसका आपको रिटर्न में आके हॉल दिखा रहा हूँ। ये इसका पैसेज है, पैसेज पे देखें तो हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, 2 स्टेयरकेस, 2 हाई स्पीड लिफ्ट, काफी बढ़िया बनाया है इन्होंने। किसी भी चीज का ना दोस्तों कमी नहीं छोड़ते हैं लोधा वाले का, एक बात तो मानना पड़ेगा कि पब्लिक को बोलने का मौका ही नहीं देते ये। मतलब हर एक के बिजनेस में ना ये चीजें होना चाहिए कि इतना सर्विस दो ना, इतने अच्छे से काम करो कि कस्टमर को बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं जाए। और अक्सर ये जो अपना नाम ब्रांड को मेंटेन करती है कंपनी, वो इन चीज़ों को बहुत ख्याल रखती है। आइए देखते हैं इसका एमिनिटीज कैसा है। ये इसका पार्किंग एरिया है, इस फ्लैट के साथ में ही है, पार्किंग आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरा पार्किंग एरिया मैं दिखा रहा हूँ, जो ये ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड फ्लोर पे है, इसके नीचे बेसमेंट है और ये हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर पे दोस्तों एमिनिटीज है, ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, गणेशा मंदिर है। और वॉकिंग एंड जॉगिंग ट्रैक है ये पूरा, गार्डन डेवलप किया है बिल्डर ने, बना के दिया है पूरा बच्चे के लिए खेलने के लिए है। और ये जॉगिंग ट्रैक है, अंदर से मैं आपको एलिवेशन और नीट एंड क्लीनेस दिखा रहा हूँ। बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया है ये। वन बाय वन करके सारी एमिनिटीज दिखाता हूँ मैं आपको, आप देख लें समझ लें, उसके बाद आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए फोन करें। बहुत सारे लोग लोधा एक्वा लोधा कासा के बारे में जानते भी नहीं है। ये इसका साइड साइड से ओपन स्पेस है, स्विमिंग पूल है इसका, आपको क्लब हाउस से खड़ा होके स्विमिंग पूल शो कर रहा हूँ ताकि आप देख पाएं। ये पूरा क्लब हाउस है इसका, ये क्लब हाउस के फर्स्ट फ्लोर पे हम खड़े हैं। क्लब हाउस के अंदर क्या क्या एमिनिटीज है वो मैं सब आपको दिखाने वाला हूँ। प्राइस इसकी काफ़ी अट्रैक्टिव है, इनको जो सेल करना है और इनको बड़े प्रॉपर्टी में मूव करना है, यानी 2 BHK बेच के या तो इनको 4 BHK या 3 BHK में मूव करना है, इसलिए प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। ये पूल टेबल है और कैरम पूल, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, ये पूरा गेम एरिया है। के बाद में वन बाय वन करके जो भी एमिनिटीज मुझे परमिशन मिला है वीडियो शूट करने के लिए वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। बच्चों के लिए टूडलर एरिया है ये, बेबी सिटिंग एरिया है ये, लाइब्रेरी है ये, लाइब्रेरी भी आप देखें काफी बड़ा है, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ बट काफी बढ़िया स्पेस है लाइब्रेरी के लिए। जिम्नासियम में आ गए हैं हम, यहाँ पे जिम एरिया है, कार्डियो एरिया है, सारे इक्विपमेंट फुल्ली मेंटेन किया है सोसाइटी ने। मैं दोपहर के टाइम पे शूट कर रहा हूँ इसके लिए यहाँ पे पब्लिक नहीं है, बट आप देखें तो काफी बढ़िया एरिया है ये।
अभी जो आपने लोधा एक्वा का 2 BHK का रीसेल का प्रॉपर्टी है उसका मैं डिटेल आपको बता दूं कि 15 माले की बिल्डिंग है, टोटल 11 विंग की सोसाइटी है ये, लोअर फ्लोर पे ओपन व्यू फ्लैट है, बेसमेंट और ग्राउंड इसका पूरा का पूरा पार्किंग एरिया है जो मैंने ऑलरेडी दिखाया आपको। फर्स्ट फ्लोर इसका एमिनिटीज है, रेसिडेंशियल इसका सेकंड फ्लोर से स्टार्ट हुआ है, इसमें एक कवर्ड पार्किंग भी है और ये फ्लैट जो है थोड़े बहुत जो फर्नीचर आपको दिख रहे हैं सेमी फर्निश्ड आपको मिलने वाला है। हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और एक स्टेयरकेस है। पूरी ऑर्गेनाइज सोसाइटी है, बहुत एक ग्रेड के लोग हैं मीरा रोड के हिसाब से, अच्छी पोस्ट लोकैलिटी है पूरे बिल्डिंग में कॉम्प्लेक्स में। 10 साल के अंदर का ही बिल्डिंग है, 7 से 8 साल हुआ है बिल्डिंग का, OC आ चुका है, BMC वाटर रिसीव्ड हो चुका है, किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेना चाहेंगे लोन भी इजिली आपको मिल जाएगा क्योंकि टाइटल क्लियर है। 2 BHK की प्रॉपर्टी थी जो आपने अभी देखा है, इसका कार्पेट एरिया लगभग 730 स्क्वायर फुट का कार्पेट एरिया है, मतलब 730 इसका कार्पेट एरिया है। प्राइसिंग की बात करूं 1.25 करोड़ रुपए इसका प्राइसिंग है, फ्लैट कॉस्ट प्लस पार्किंग के साथ, इसमें रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी वो भी जो भी होगा वो देखेंगे, इसमें पार्किंग के साथ 1.25 करोड़ में देना है। जनरली वहां पे 135-140 के आसपास प्राइस चल रहा है, इनका प्राइस 1.25 करोड़ है। अगर आपको इंटरेस्ट है ना तो आप फोन करिए क्योंकि ये प्राइस जब अच्छा होता है तो प्रॉपर्टी टिकता नहीं है दोस्तों, और हम लोग अपने चैनल पे उसी प्राइस को डालते हैं, उसी फ्लैट को डालते हैं जिसका प्राइस अच्छा होता है। एमिनिटीज में कुछ मैं बता दूं, इन शॉर्ट आप समझ जाइए, इसमें टेम्पल, लैंडस्केप गार्डन, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग एंड जॉगिंग ट्रैक, सिटिंग एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, लाइब्रेरी, जिम्नासियम, बैंक्वेट हॉल, इंडोर गेम, ये सारे इसमें एमिनिटीज है जो मैंने आपको बताया है। तो बहुत कुछ मैंने इन शॉर्ट आपको बताया ताकि मेन आप समझ जाएं। मैं आपको यहाँ की कनेक्टिविटी की बात बता दूँ स्कूल कॉलेज के बारे में कि 5 मिनट के अंदर आप US होस्टवाल एकेडमी स्कूल, सेंट डोमिनिक सेवियो हाई स्कूल, GCC इंटरनेशनल स्कूल, स्वामी विवेकानंद कॉलेज, KS मेहता रॉयल कॉलेज, हटकेस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वकार्ड हॉस्पिटल, HDFC बैंक, इंडियन बैंक, DCB बैंक, बस स्टॉप, ऑटो स्टैंड, केमिस्ट, जनरल स्टोर, कासीमीरा पुलिस स्टेशन, कासीमीरा जंक्शन, MBMC गार्डन, GCC क्लब, हटकेस महादेव मंदिर, चर्च, मस्जिद, वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट, ये सब बिल्कुल आप 2 से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर आप मीरा रोड स्टेशन, गोड़बंदर रोड, दहीसर चेकनाका, ठाकुर मॉल, आइनॉक्स बिग बाजार, मैक्सेस मॉल एंड सिनेमास, रसाज मॉल, फैक्ट्री आउटलेट, जैसे जो बड़े बड़े ब्रांड के जो फैक्ट्री आउटलेट्स हैं, 10,000 स्क्वायर फुट के जो बड़े बड़े शॉप हैं, इसमें से पुमा का है, एडिडास है, रिवॉक है, पेंटालून है, कैचर है, डिकैथलॉन है, ये सब जो हाईवे पे है वो भी बिल्कुल आप 5 से 10 मिनट में यहाँ से पहुंच जाते हैं। दारास ढाबा होटल, दिल्ली दरबार, फाउंटेन होटल, डी मार्ट, भाईंदर खाड़ी, सनसेट पॉइंट, ये सब बिल्कुल यहाँ से 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं। 45 to 1 आवर्स के अंदर गोराई बीच, SL वर्ल्ड, बेलंकनी बीच, वाटर किंगडम, सूरज वाटर पार्क, गायमुख खाड़ी, माइंड स्पेस, IT पार्क, नेशनल पार्क, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये सब आप 45 to 1 आवर के अंदर रीच कर जाते हैं। 1 से 2 घंटे के अंदर मुंबई की जो फेमस चीजें हैं जिसमें जुहू बीच, बरसोवा बीच, शिवाजी पार्क, सिद्धिविनायक मंदिर, बांद्रा वर्ली सी लिंक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, हाजी अली दरगाह, महालक्ष्मी मंदिर, मुंबई देवी मंदिर, पल होटल ताज, मरीन ड्राइव, क्रॉफर्ड मार्केट, लेमिंगटन मार्केट, गिरगांव चौपाटी, तारापुर वाला एक्वेरियम, गेटवे ऑफ इंडिया, वानखेड़े स्टेडियम, कोलाबा, एलिमेंटा कैब, ये सब भी मुश्किल से आप यहाँ से 1 से 2 घंटे के अंदर डिपेंड ऑन ट्रैफिक आप रीच कर जाते हैं। दोस्तों ये मैंने पूरा डिटेल दिया, अब हमारी सर्विस क्या है जिस सर्विसेज के जरिए हम अपने कस्टमर्स को सस्ते में रीजनेबली प्रॉपर्टी कैसे प्रोवाइड करते हैं वो आप हमारे सर्विसेज में समझें। दोस्तों सर्विसेज में हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन का भी काम करते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी आप हमसे परचेस करते हैं तो होम लोन के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको होम लोन भी हम पूरा करवा के देंगे, उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, हमारे पर्सन आपके डोर टू डोर सर्विस देंगे, डॉक्यूमेंटेशन लेके जाएंगे और पूरा आपका काम करके देंगे। आगे दोस्तों बताऊँ, हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, रीसेल और बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। कभी कभी हमारे पास जो रीसेल में प्रॉपर्टी आती है, आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं वैसे हजारों लाखों लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं, अगर उनको अर्जेंट में कुछ प्रॉपर्टी सेल करना रहता है किसी भी लोकेशन में तो हमें फोन करते हैं कि विकास जी हमें ये प्रॉपर्टी सेल करना है, और अच्छा खासा प्रॉपर्टी आप देखें तो 20-20-30-30 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए डिस्काउंट में वो मार्केट से सेल करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर अर्जेंट में बेचना है तो मुझे भाव कम करके बेचना पड़ेगा। और ऐसे मैंने कई लोगों को बेनिफिट करवाया है, गए महीने भी 4-5 प्रॉपर्टी हमने रीसेल में बेचा है जो 10-10 लाख रुपए कम भाव में बेचा है। ऐसे जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी होती है मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ, साथ ही साथ जो बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी आती
प्रॉपर्टी है वो भी 30-40% डिस्काउंट पे प्रॉपर्टी आती है जो मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। बैंक ऑक्शन करती है, कोई कुछ जो ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं उनका फ्लैट या प्रॉपर्टी उनकी ऑक्शन में चली जाती है, तो वो सीधे सीधे 40-50% डिस्काउंट में मिल जाता है। और दूसरी जो हमारे पास लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी आती है, बिल्डर को जब स्टार्टिंग बेस खड़ा करना होता है और लॉन्च करते हैं प्रॉपर्टी, तो कभी कभी रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट होता है, कभी पीएलसी डिस्काउंट होता है, कभी फ्लोराइज डिस्काउंट होता है। ये सब जो डिस्काउंट वाली और फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है मैं हमेशा अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें कि जब भी मैं ऐसी कोई प्रॉपर्टी डालूं, फायदे वाली डिस्काउंट वाली प्रॉपर्टी डालूं, तो सबसे पहले उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसकी आपको सूचना मिल सके और आप उसका जल्द से जल्द बेनिफिट ले सकें। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, अगर आप व्हाट्सएप से ज्यादा फ्रेंडली हैं, व्हाट्सएप हमेशा यूज करते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। ये दोनों नंबर हमारा व्हाट्सएप पे है। आप आपके व्हाट्सएप नंबर से आपका नाम, आपका लोकेशन, आपका बजट हमें लिख के भेज दें। जब भी हमारे पास ऐसी कोई फायदे वाली प्रॉपर्टी या फिर आपके बजट से रिलेटेड, आपके जो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जब प्रॉपर्टी आती है, तो हम आपको शेयर भी करते रहेंगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको जल्द से जल्द वो आप इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे, और अगर आपके पास पेमेंट हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, आपके काम की चीज हो, तो आप उसको परचेस करके उसका फायदा भी ले पाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, फायदेमंद लगता है, तो आप अपने फ्रेंड फैमिली से भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी अगर प्रॉपर्टी की नीड हो, परचेस करना हो, और अगर उनके पास कोई आसपास में प्रॉपर उनकी टीम नहीं हो या कोई डीलर नहीं, कोई चैनल पार्टनर नहीं हो, तो हम उनको पूरी हेल्प करेंगे प्रॉपर्टी दिलाने में, स्टार्ट टू एंड पूरा डील करवाने में और क्लोज करने में। वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स हमें दीजिए इजाजत दोस्तों, नमस्कार।